राम राम भाइयों, मैं आज आप लोगों का बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को लगातार काफ़ी सारा प्यार दे रहे हो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरी सारी वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हो, और मेरे एक दो भाई हैं जो दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को कंटिन्यूसली प्रमोट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू भाई, सो मच थैंक यू। तो आज भाई तेरे शेयरिंग का ना एक बहुत अच्छा आउटपुट मेरे को मिला है, शायद तेरे को जान के खुशी होगा, तो मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ, पर्सनली तो बाद में बताता रहूंगा कहानी। वो लिखती है, थैंक यू सो मच टू टेल अस कि आपकी कंट्री का नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम क्या है। आपके आर यू इंडियन वाले वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों के नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को जान पाई हूँ, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। शायद मेरे को ये बात हमारे यहाँ की किताबों में कभी पढ़ाया नहीं जाता, और मैं बिना इंडिया जाने के बाद में भी शायद कभी जान नहीं पाती। तो थैंक यू आप लोगों का हमको पूरा डिटेल देने के बारे में कि इसको किसने लिखा, कैसे लिखा। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैडम, आपका आपने हमको मैसेज करके हमारी उसी वीडियो का वैल्यू हमको बताया, थैंक यू सो मच। दूसरा वीडियो एक लिखते हैं, हमारे ही देश के एक बच्चे ने लिखा है, और ये बोलता है, थैंक यू, थैंक यू भैया, आप लोगों ने मुझे ये याद दिलाया कि मैं एक बहुत प्राइजलेस सॉन्ग और एंथम याद रखा हूँ। मेरे को वो वीडियो देखने के बाद में अपने ऊपर फक्र फील हुआ कि मैं दो चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसको अपने देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पूरा ठीक से याद है। थैंक यू भैया। तो थैंक यू भैया आपको कि आपने खुद की वैल्यू खुद समझी है कि कितना प्राइसलेस सॉन्ग है हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, और आपको ये याद है किसने लिखा है, किसने इसको गाया है। तो ये बहुत फक्र की बात है भाई, आप हमारे देश में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो। थैंक यू सो मच। और एक ये ईमेल मतलब मैसेज एक और आया है मेरे को, ये कोई भाई है बाहर से आया है, बोलता है, लिखता है, कहता है, भैया मैंने आपकी 717 वाली वीडियो देखी थी नेट पे, तो मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा था 717 में से, सो मैं जब भी उस बस से जाता था तो पहले मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था, तो मैं बेधड़क जाता था, पर आपकी वीडियो देखने के बाद अब मैं पूरा केयरफुली अपने सारे सामान को रख के और ठीक से जाता हूँ। और कुछ दिन पहले ही मेरे आंखों के आगे एक मोबाइल चोरी का इंसिडेंट हुआ है, तो वो वीडियो देखने के बाद में आपकी वीडियो पे मेरे को 100% यकीन हो गया है, और मैं आगे भी शेयर करूंगा। तो भैया या क्यों प्रूफ का वेट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि मैं अगर ऑनलाइन बैठ के आपको कोई चीज ब्रीफ कर रहा हूँ तो मतलब गलत थोड़ी बोलूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई फीडबैक देता है या कोई मेरे को बताता है, फिर मैं उस चीज को क्रॉस चेक करके तब उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको वो मैसेज आगे कन्वे करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे थ्रू कोई गलत मैसेज आगे पास आउट हो और जिसको लेकर के गलत फहमियां बने। और ये बात आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, 717 में अभी भी बसों में फोन की चोरियां हो रही हैं, जितने भी मोबाइल के लॉक वगैरह पैटर्न वगैरह अनलॉक करते हैं बंदे, उनके पास आप जा करके एक बार पूछ के देखना, वो लोग खुद बताएंगे आपको। तो थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, मेरे को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी को कोई अच्छा मैसेज मिल रहा हो या फिर कोई एक पॉजिटिव वे में कोई चीज सीख रहा है तो बहुत अच्छा लगता है भैया। और मैं अपनी वीडियो को सीरियसली ऐसे ही आगे लेके चलता रहूंगा, आप लोगों को बहुत कुछ नया इसमें जानने को देखने को मिलेगा, और मैं इसमें लगातार लोगों से कोशिश कर रहा हूं कि लोग मेरे से जुड़े अपना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।